हाथ जोड़ लो। सही से छू रख लो इसको। चप्पल रख लो जरूर याद से, और कुछ चार्जर मोबाइल, और ये ब्रश ये निकला हुआ इसमें भूल जाता है हर चीज ले। चलूं मैं भी? नहीं क्या हो? ओके बाय, खुश रहो। फोन कर देना पहुंच के तुरंत ही, ठीक है? सब रख लिया ना फोन वगैरह? बहुत सोना ठंडी हवा है बेटा, पहन लेता ना कुछ, पहनेगा? मानते हो? कब तक आएगा वो वेरिफिकेशन के लिए, बताएगा पहले से? अरे बाप रे, बहुत हवा ठंडी है। बाय बाय बाय। तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज ना बेटा गया है मेरा, सुबह सुबह कॉलेज गया है वापस। तो काफ़ी दिन की इस बार छुट्टी मिल गई थी तो बहुत अच्छा लगा था। लगभग 40 डेज़ वो रह गया है मेरे साथ। उसके पहले मेरी बेटी रही थी, तो अभी ये दिन ना मेरे काफ़ी अच्छे निकले थे। और बस अब मैं फिर से वही है, बच्चे निकल जाते हैं तो मन तो उदास होता है, लेकिन अपना फ्यूचर और करियर बनाने के लिए जाना ही होता है और उन्हें जाने भी देना चाहिए। वैसे तो मेरी तरफ से बिल्कुल छूट रहती है, जो भी आपको आगे बढ़ने के लिए जहाँ भी जाना है आप जाइए, मेरी तरफ से बिल्कुल रहता है। लेकिन हाँ, ये है कि जब जाते हैं तो मन बहुत उदास होता है। तो बस अभी यहाँ पर मेरी चाय बन गई है, और ना बच्चे भी उतना ही परेशान होते हैं, वो ना जाते टाइम बिल्कुल भी देखता नहीं है मेरी तरफ। तो सॉरी, मैं इमोशनल हो जाती हूँ अभी भी। तो बस बच्चे तो जाएंगे, पढ़ाई करनी है, पढ़ेंगे तो बाहर तो निकलना ही पड़ेगा, उनको बांध कर नहीं रख सकते हैं। और पेरेंट्स होने के नाते उनको पूरा मौका देना चाहिए, कभी भी उनको शिकायत ना रहे कि ये मैं इसलिए नहीं कर पाया कि आपने नहीं करने दिया, मेरा तो यही सोचना है। तो बस अभी फिर वही अपने डेली रूटीन के कामों में लग जाऊंगी। आज ना पूरा दिन थोड़ा सा रहेगा उदास, क्योंकि अभी काफ़ी दिन रह गया था, 40 डेज बहुत होते हैं साथ में, और तो उसके ना अभी साथ में आदत हो गई थी, ये बना दो मम्मा वो बना दो, इस तरह में ना बिज़ी रहती थी। पर चलो कोई बात नहीं, अभी मैंने यहाँ चाय बनाई है और बालकनी में आ गई हूँ, तो
तो खाना पीना तो मैं वैसे भी बनाती रहती हूँ, और बच्चे बोल जाते हैं कि मम्मा बनाना, वैसे उनको पता है मुझे कुकिंग का शौक है, तो बनता तो ज़रूर है। यहाँ पर आंवले का आज जूस भी इतना बना ज्यादा लिया था। ठंडा है कि मैं दो दो टोपा लगाई हूं बहुत ठंडा लग रहा है। तो चलिए अभी आंवले का जूस पी लेती हूँ। तो बस अभी आंवले का जूस पिया है यहाँ पर, और जब तक वो रहा है उसको भी मैं देती रही थी बस सारे हॉस्टल में, कर्टेंस थोड़ा सा भी इधर खाने लगा पीने दिए का हैं। मुझे वो टेंशन रहती है, अच्छा नहीं मिलता है। खाना तो ठीक मिलता है पर फिर भी थोड़ी और चीज़ें होती हैं, फ्रूट्स वगैरह ये सब ना बहुत कम मिलता है। तो जितने दिन भी आते हैं यहाँ पर मुझे लगता है कि खिला दो उनको अच्छे से। और बस अभी ना फिर ब्रेकफास्ट भी बनाया मैंने, तो आज बहुत ज़्यादा कुछ सब्ज़ी वगैरह कट नहीं की थी मैंने। यहाँ पर बनाया है ये ओट्स का दलिया, तो ये रखा हुआ था तो मैंने सोचा चलो इसको ही बना लेती हूँ। तो यहाँ पर क्या करना है, इसको ना थोड़ा सा लिया था मैंने और भून लेना है इसको, ड्राई रोस्ट कर लेना है कढ़ाई में। बस इसको दूध में मैंने पकाया था, नमकीन वाला नहीं बनाया है तो इसे दूध में मैंने पका दिया था। और बस अभी यहाँ पर मैं सर्व कर लेती हूँ। तो इसको मैंने निकाल लिया है, और अभी ना इसमें मैं थोड़ा सा ये काली वाली किशमिश मिलाऊंगी, और ऊपर से जैगरी का जो पाउडर होता है वो इसमें ऐड करूंगी, क्योंकि वाइट शुगर मैं नहीं लेती हूँ। तो बस ये वैसे ना बहुत टेस्टी लगता है, और इसमें और भी कई चीज़ें डाल सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स कोई भी अखरोट वगैरह है, बादाम, ये सब भी डाल सकते हैं। और इसमें जो स्ट्रॉबेरी आती है ना ड्राई वाली, वो बहुत अच्छी लगती है, वो डाल सकते हैं। तो अभी मेरे पास जो था बस उतना मैंने डाल लिया है, यहाँ पर काली वाली किशमिश डाली है। और चलो ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो देखिए हमारा जीवन कैसा होता है, मतलब शुरू में जब बच्चे छोटे होते हैं तब हम कितने बिजी होते हैं, लेकिन वो टाइम भी ना बहुत अच्छा होता है। मैं तो बहुत मिस करती हूँ कि पूरे दिन बिजी रहती थी, लेकिन उसमें भी कुछ अपने बच्चों के लिए करना होता है, हस्बैंड के लिए तो अच्छा ही लगता है। और मुझे याद है अच्छे से जब ये लोग छोटे थे बच्चे, तो कितना भागम भाग रहती थी, सुबह सुबह टिफ़िन बनाना है, हस्बैंड का ऑफिस के लिए भी बनाना है, घर के सारे काम करने हैं, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता था। तो अब थोड़ा सा फ्री हूँ, लेकिन मैं वैसे अपने आप को बिज़ी अभी भी रखती हूँ, पर हाँ उतना भागम भाग नहीं रहती है किसी चीज़ की। तो बस अपना ये है कि काम तो करने ही होते हैं, धीरे धीरे होते रहते हैं। और बस बच्चे जब निकल जाते हैं बाहर तो एक तरह से मन थोड़ा सा उदास होता है, लेकिन अच्छा भी लगता है कि उनको कुछ अपनी फ्यूचर के लिए लाइन मिलनी बहुत ज़रूरी है। तो मेरे दोनों बच्चे अच्छे कॉलेज में हैं, पढ़ रहे हैं, तो पढ़ने में बहुत अच्छे थे दोनों ही शुरू से। तो एक बीटेक कर रहा है और एक डिज़ाइन में है बेटी। तो बस इसी तरह से निकल जाता है टाइम धीरे धीरे। तो यहाँ पर देखिए मैंने मटर छील ली थी, तो खाना भी बनाऊँगी, ऐसा नहीं है कि कोई वो है कि मन उदास है तो कोई बात नहीं, खाना लेकिन बनेगा, सिंपल सा बनाऊँगी दाल सब्ज़ी। तो बस ब्रेकफास्ट कर लिया था, यहाँ आलू मटर मैंने सिंपल सा ही छौंका है, मन तो सच बताऊँ नहीं था, लेकिन फिर भी कुछ तो बनाना ही था। और प्याज वगैरह कुछ नहीं डाली है, सिंपल सा हींग जीरे में और ये बेसिक मसाले डालकर आलू मटर बना लिया है मैंने, सूखा सूखा जैसे घुघनी होती है ना उस तरह का, हींग भी डाल दी थी ये ऊपर से। और बस अभी इसको बंद कर दिया है, और इसके बाद ना मैंने छाछ भी बना लिया था यहाँ, क्योंकि दही बहुत सारा इकट्ठा हो रहा था, 2 दिन से खाया नहीं था, और वैसे आजकल ना खट्टा नहीं होता है दही, तो उसका छाछ बना लिया, जीरा पाउडर मिर्ची और ये काला नमक वगैरह डाल के मैं बना लेती हूँ। और बस यहाँ मैं आ गई थी नहा के, तो जैकेट पहन ली है, ठंडा तो है ही बहुत ज़्यादा जैसा कि पता ही है सभी लोगों को, तो ये जैकेट पहन ली थी घर में मैंने और लगा ली है कैप। तो बस अभी मैं खाना खाऊंगी नहा धोकर, और आज ना ज़्यादा काम कुछ भी नहीं किया है, यहाँ बाजरे की रोटी बनाई है मैंने, और चावल नहीं आज बनाया था, तो एक बाजरे की रोटी खाई थी मैंने, और एक मेरी सिस्टर इन लॉ रहती हैं हमारे साथ, तो एक उनके लिए बनाती हूँ। और ये छाछ था तो सब्ज़ी मैंने अच्छी सी ली है क्वांटिटी में, और दाल है, एक रोटी है, छाछ है, अचार है। तो बस यहाँ पर खाना खा लेते हैं। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही है, ज़्यादा कुछ भी नहीं किया है। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है मेरा व्लॉग तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा।
और ये देखिए आ जाता है, जैसे ही मैं लंच के लिए बैठती हूँ तो ये तो मेरा चलता रहता है, इसी में मैं सारा दिन बिजी भी रहती हूँ। तो अपने आप को बिजी रखना बहुत ज़रूरी है, अगर आप किसी भी चीज़ को लेके बैठे रहेंगे तो फिर बहुत मुश्किल हो जाती है, मेरा मानना है इंगेज रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो बस यहाँ मैंने इसको खिलाया था, और ये देखिए चिड़िया भी आई है, गिलहरी भी आती रहती हैं, इतने सुंदर। उसकी आवाज़ ना बुलबुल की बहुत ही प्यारी होती है, सुनिएगा। तो आप लोग इंजॉय करिए हमारे ये सारे पक्षी गिलहरी को। तो मिलती हूँ मैं कल के ब्लॉग में, नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और यहाँ देखना ये गिलहरी को ज़रूर देखिएगा, कितना प्यार से मिलती हैं दोनों ये अभी देखिएगा। तो देखा आपने क्या बात करती हैं, पता नहीं। चलिए मिलती हूँ कल नेक्स्ट